मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों ही 20th सेंचुरी के मेजर लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट्स हैं। दोनों ही मूवमेंट्स में जहाँ बहुत से फीचर्स कॉमन दिखाई देते हैं, लाइक फ्रेगमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, स्केप्टिज्म ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, एलियनेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट, फोकस ऑन सब्जेक्टिविटी एंड मेटाफिक्शन। इसके बावजूद मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच एक सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, और इस वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर वन, टाइम पीरियड का डिफरेंस है, एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रेडिशंस का डिफरेंस है, सब्जेक्ट मैटर डिफर करता है। दोनों पीरियड्स में राइटर्स के जो नैरेटिव टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट हैं, और रोल ऑफ द अदर्स जो है वो भी दोनों के डिफरेंट हैं। दोनों ही मूवमेंट्स में वर्ल्ड व्यू का डिफरेंस भी पाया जाता है। मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है कि जो मॉडर्निज्म है वो लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई, रफली फ्रॉम द 1890s टू द 1940। ऑन द अदर हैंड पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये वर्ल्ड वार टू के बाद इमर्ज हुई थी। 1950 में पोस्ट मॉडर्निज्म की जो मूवमेंट है इसने प्रोमिनेंस हासिल कर ली थी, यानी कि 1950 में ये अपने ज़ोरों पर थी, और लेट 20th सेंचुरी तक ये मूवमेंट फैल चुकी थी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रेडिशन। मॉडर्निज्म अक्सर ही ट्रेडिशनल फॉर्म्स और कन्वेंशंस के खिलाफ रिएक्शन करती थी, क्योंकि उस वक्त के काम किए गए लिटरेरी नॉर्म्स यानी लिटरेचर लिखने के असूल और ज़वाबत के खिलाफ जो है हमेशा ही रिएक्शन करने के रास्ते तलाश करती थी। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म ने अक्सर जो है ट्रेडिशंस को इम्प्रेस भी किया, ये ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट भी कर रही थी, एंड एट द सेम टाइम भी उस वक्त के इस्टेब्लिश किए गए लिटरेरी फॉर्म्स और कन्वेंशंस के ख़िलाफ़ भी रिएक्शन सबवर्ट कर रही थी, यानी कि रिएक्शन कर रही थी, उसको ओवरथ्रो कर रहे थे। थर्ड जो डिफरेंस है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में वो है सब्जेक्ट मैटर का। सब्जेक्ट मैटर वो मवाद वो या वो इश्यूज या वो टॉपिक्स होते हैं जिन पर राइटर्स लिखते हैं, ये पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और रिलीजियस भी होते हैं, एंड फुल ऑफ विजडम एंड इंफॉर्मेशन भी होता है। मॉडर्निज्म की बात करें तो मॉडर्निज्म एक्सप्लोर्ड थीम्स सच एज इंडिविजुअलिज्म, एलिनेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ रियलिटी। मॉडर्निज्म ने इंडिविजुअलिज्म, एलिनेशन, डिसइल्यूजनमेंट और फ्रेगमेंटेशन ऑफ रियलिटी के थीम्स को एक्सप्लोर किया है। इट ऑफन डिपिक्टेड द डिस इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। इसने तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को तेज़ी से बिखरते हुए डिपिक्ट किया है, यानी कि पोर्ट्रे किया है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बिखरते हुए पोर्ट्रे किया है। ऑन द अदर हैंड पोस्ट मॉडर्निज्म ने आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कंज्यूमर कल्चर और नेचर ऑफ रियलिटी के इश्यूज़ को का मायना किया है। इट ऑफन एम्प्लॉयड आयरनी, पेस्टिश एंड सेल्फ रिलैक्सिविटी टू चैलेंज डोमिनेंट नैरेटिव्स एंड क्वेश्चन द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। पोस्ट मॉडर्निज्म ने डोमिनेंट नैरेटिव यानी कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थी राइटिंग की, लिटरेचर की, उनको चैलेंज करने के लिए आयरनी, पेस्टिश और सेल्फ रिलैक्सिविटी का यूज़ किया है, और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के इम्कानात पर सवाल उठाया। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि वो लोग ऑब्जेक्टिव यानी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स, रैशनैलिटी और लॉजिक को डिनाई कर रहे थे, और सब्जेक्टिविटी यानी कि पर्सनल फीलिंग्स और पर्सनल इम्प्रेशंस को ये पोस्ट मॉडर्निज्म में फेवर किया जा रहा था। बेइंग द टीचर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, आपको आई होप कि आपको सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता चलता हूँ। तो जो सब्जेक्टिव अप्रोच है ये पर्सनल फीलिंग्स और पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल इम्प्रेशंस पर बेस करता है, यानी कि राइटर जो है इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिख सकता है, अपने पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और अपने पर्सनल थॉट को एक्सप्रेस करता है, रिगार्डलेस ऑफ द व्हाट अदर थिंग।
regardless of the facts and what other people think about the topic he is discussing. जबकि जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ये इम्पर्सनल होती है, ये पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ होती है. यानी कि इसमें जो है राइटर उसका यह ख्याल होता है कि कभी भी हमें अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देने चाहिए, अपनी पर्सनल फीलिंग्स पर जो है डिस्कस नहीं करने चाहिए, जबकि हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. यानी कि फैक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए, फैक्ट्स और रैशनैलिटी पर बेस जो है लिखना चाहिए, जो भी हम लिखते हैं राइटर्स, और जो है लॉजिक पर बेस होना चाहिए. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. तो ब्रीफली हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, सब्जेक्टिव अप्रोच मीन्स पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस, ऑब्जेक्टिव मीन इम्पर्सनल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द लॉजिक. मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की नैरेटिव टेक्निक्स के बीच भी डिफरेंस पाया जाता है. मॉडर्निस्ट्स ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस और परसेप्शन की कम्प्लेक्सिटीज़ को कैप्चर करने के लिए, यानी कि इनको डिपिक्ट करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉन लाइनियर स्टोरी टेलिंग एंड अनरिलायबल नरेशंस की जैसी टेक्निक्स को एम्प्लॉय किया, यानी कि इन पर एक्सपेरिमेंट किया. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं. तो ये क्या होता है, ये फ्लो ऑफ इरेगुलर थॉट्स का होता है, यानी कि हमारे माइंड्स में जो इरेगुलर थॉट्स आती रहती हैं. इसको समझने के लिए हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज किया आप रोड पर जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी नज़र एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है, फिर आप उस रेस्टोरेंट को देखकर आपके अचानक ख्याल आता है कि इस रेस्टोरेंट में तो आपने फलां दिन को अपने फलां दोस्त के साथ खाना भी खाया था और खाने में आपने ये खाया था. तो इस तरह से एक के बाद एक जो है सोच हमारे माइंड में जो आ रही होती है उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं. उसके बाद हम फौरन ही किसी दूसरी सोच पर शिफ्ट कर जाते हैं, हमें फिर कुछ और नज़र आता है तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं. यानी कि दिमाग में जो ओवर थिंकिंग हम करते रहते हैं, कुछ लोग करते हैं, एक ख्याली पलाव जो पकाते रहते हैं उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं. नॉन लाइनियर स्टोरी टेलिंग किसे कहा जाता है, तो नॉन लाइनियर स्टोरी टेलिंग में जो राइटिंग, जो नॉवलिस्ट या जो ड्रामेटिस्ट जो लिख रहे थे, उसमें जो इवेंट्स थे वो एक रेगुलर एक परफेक्ट लाइन में नहीं होते थे. यानी कि बिगनिंग में कुछ होता था, उसके बाद कोई एक नया सेक्शन, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया जाता था, जिसमें जो है फिर उसके बाद फिर से वो फर्स्ट वाले इवेंट पर शिफ्ट हो जाता था, जो है उस पार्ट को जो है आगे लेकर चलता था. फिर इस तरह यानी कि एक लाइन की फॉर्म में नहीं थी स्टोरी, बल्कि एक कोलाज, यानी कि मुख्तलिफ पीसेस में जो है उसे एक कोलाज की शक्ल में जो है डिफरेंट पीसेस में उसे डिवाइड कर देते थे. ऑन दी अदर हैंड, पोस्ट मॉडर्निस्ट एम्प्लॉयड मेटाफिक्शन, इंटरटेक्सचुअलिटी एंड पैरोडी टू ब्लर द बाउंड्रीज बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी. पोस्ट मॉडर्निस्ट ने क्या किया, इन्होंने मेटाफिक्शन और इंटरटेक्सचुअलिटी का यूज़ किया. मेटाफिक्शन ऐसी राइटिंग को कहते हैं जिसमें राइटर्स लिखते हैं कि लिटरेचर को लिखना कैसे लिखे, यानी कि वो साथ साथ अपनी राइटिंग के बारे में भी, राइटिंग स्टाइल के बारे में भी बताते चलते जाते हैं. इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब है कि जब कोई राइटर अपनी राइटिंग में पास्ट के किसी वर्क को कोट करता है या कोई अल्यूजन यूज़ करता है पास्ट के किसी वर्क से, यानी कि किसी पास्ट किसी वर्क को अपने वर्क में से इंटरकनेक्ट करता है, तो उसे इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं. ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी टेक्स्ट जो है आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वह दूसरे टेक्स्ट के साथ रेफरेंसेस और अल्यूजन्स के ज़रिए इंटरकनेक्ट होता है. पेस्टीज कहते हैं जब राइटर्स किसी पास्ट के राइटिंग को कॉपी कर रहा हो, किसी पास्ट के किसी वर्क को कॉपी कर रहा हो, तो उसे पेस्टीज कहा जाता है. पोस्ट मॉडर्निस्ट ने ऐसा ही किया था, पास्ट के वर्क के स्टाइल को इमिटेट किया था या कॉपी किया था. तो अब बात करते हैं कि रोल ऑफ द अदर्स क्या था, यानी कि मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट के जो ऑथर थे इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है. मॉडर्निस्ट राइटर्स जो थे, द अदर वॉज ऑफन सीन एज एन ऑटोनॉमस क्रिएटर हूज वर्क रिफ्लेक्टेड देयर यूनिक विजन एंड परस्पेक्टिव्स. जो ऑथर्स थे, मॉडर्निस्ट ऑथर्स थे, वो ऑटोनॉमस क्रिएटर थे, यानी कि खुद मुख्तार एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर थे, जिन्होंने अपने वर्क्स में जो अपनी यूनिक विजन और अपने परस्पेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट किया. पोस्ट मॉडर्निस्ट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द ऑथर. पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो ऑथर की अथॉरिटी है, ऑथर की जो मर्जी है, उस पर सवाल खड़ा किया, एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ द रीडर एंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन शेपिंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट. और पोस्ट मॉडर्निस्ट ने
रीडर एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर इम्फोसाइज किया कि किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को शेप देने के लिए, किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग डिराइव करने के लिए उनके पोस्ट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग जो रीडर एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि रीडर क्या परसेप्ट करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ऑथर ने क्या लिखा है, ऑथर क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो अब बात करते हैं कि मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में वर्ल्ड व्यू क्या है। वर्ल्ड व्यू कहते हैं एक इंसान और कायनात के बीच जो रिलेशनशिप है, एक एक मुनज़्ज़िम और बासूल रिलेशनशिप को वर्ल्ड व्यू कहा जाता है। मॉडर्निज्म टेंडेड टूवर्ड्स अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड एग्जिस्टेंशियल एंगजाइटी। जो मॉडर्निज्म है ये डिसइल्यूजनमेंट यानी कि हकीकत से पर्दा उठाने वाली पर्दा उठ जाने का एहसास है, और एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट है यानी कि अपने वजूद पर गुस्सा आना, अपने वजूद पर तकलीफ होना, दुख होना, तो ये मॉडर्निज्म रिफ्लेक्ट करता है जो 20th century के अपहीवल्स की वजह से, स्पेशली ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, जो सफरिंग लोगों ने बर्दाश्त की, जो सफरिंग उन्होंने सफ़र किया, जिन तकलीफ से वो गुजरे और जो हकीकत उन पर आया हुए, वो इस इन सब चीज़ों को 20th century में वो रिफ्लेक्ट करते हैं मॉडर्निज्म। जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो है ज़्यादा प्लेफुल मीन फुल ऑफ फन एंड स्पिरिट, हाई स्पिरिट एंड स्केप्टिकल वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट किया, यानी कि इनका जो वर्ल्ड व्यू था वो काफ़ी स्पेक्टिकल था, मशकूक था, शक करने वाला था, क्वेश्चनिंग था, सवाल उठाने वाला था, और प्लेफुल था यानी फुल ऑफ फन था, फुल ऑफ हाई स्पिरिट था, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द फ्लूइडिटी ऑफ मीनिंग इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड एंड मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड इन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में जो डाइवर्सिटी है यानी कि तरह तरह के नौ अकसाम के जो एक्सपीरियंस हैं उनको सेलिब्रेट किया, एंड फ्लूडिटी ऑफ मीनिंग यानी कि मीनिंग की फ्लूडिटी यानी कि मीनिंग्स जो है फिक्स नहीं है, मीनिंग्स जो है शिफ्ट होते रहते हैं। कोई पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो है यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनाई कर दिया था, उन्होंने कहा कोई एक फिक्स्ड फैक्ट नहीं है, कोई एक फिक्स्ड ट्रूथ नहीं है, जबकि जो फैक्ट्स हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, ट्रूथ जो है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो ओवरऑल दोनों ही मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो है ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स और आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट कर दिया था, और वो अपने एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ट्रेडिशन, नैरेटिव टेक्निक्स और द रोल ऑफ द ऑथर एंड द वर्ल्ड व्यू के लिहाज से दोनों ही पोस्ट मॉडर्निज्म एक दूसरे से डिफरेंट है।